आज मैं बहुत इजी पैन पिज़्ज़ा की रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया है, एक ग्लास में मैंने पानी लिया है, एक पूरा साशे यीस्ट का, एक स्पून सॉल्ट और हाफ टेबल स्पून चीनी, मैंने इनको अच्छी तरह से डिसॉल्व कर लिया है। ये पूरा मेरा 1 kg मैदा है, इसके अंदर मैंने गार्लिक पाउडर 1 स्पून मिक्स किया है, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ ताकि मैदे में गार्लिक पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाए। अब मैं क्या करूँगी कि जो मेरा पानी रेडी हुआ हुआ है, यीस्ट नमक और चीनी वाला, वो मैं अच्छी तरह से इस मैदे में मिक्स करती जाऊँगी। कुकिंग का सबसे मुश्किल काम मुझे नीडिंग लगता है, लेकिन चलें जी नीडिंग स्टार्ट कर दी है मैंने। क्योंकि मैंने पैन पिज़्ज़ा बनाने हैं तो मैंने अपने पिज़्ज़ा डो को भी पैन साइज़ का ही रखा है। पेड़े रेडी करके रखे हुए हैं ताकि जल्दी जल्दी पिज़्ज़ा बनाती जाऊंगी और शामिल करके उसको बेक के लिए रखती जाऊंगी। चीज़ मैंने भी क्रश करना शुरू किया है। एक्चुअली मैं अकेली होती हूँ, मुझे सारे काम खुद ही करने होते हैं, तो मैं एक साथ सारे काम स्टार्ट करती हूँ। ये मैंने वेजीज़ एक तरफ कर ली हैं और साथ साथ मैंने अपने पिज़्ज़ा ट्रे को ग्रीस भी कर लिया है ऑयल से। मैं एक्चुअली बाज़ार की पिज़्ज़ा सॉस यूज़ करूँगी, क्योंकि आजकल बच्चों के साथ एग्ज़ाम में बिज़ी हूँ तो पिज़्ज़ा सॉस घर पे नहीं बना रही हूँ। ये मेरा फर्स्ट स्टेप है, मैंने जो है वो पिज़्ज़ा डो के ऊपर सबसे पहले पिज़्ज़ा सॉस लगा दी है अच्छी तरह से। पैन पिज़्ज़ा मुझे इसलिए भी अच्छे लगते हैं कि आप इसको रेडी करके रखें फ्रीज़र में और बच्चों को सुबह लंच में सुबह ही फौरन आप उसको बेक करें और उनको दे दें। अब मैं इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ जो है वो अच्छी तरह से स्प्रिंकल कर रही हूँ। मैं ग्रेजुअली मोज़रेला चीज़ क्रश करती जाती हूँ और उसके बाद फिर मैं उसको स्प्रिंकल करती जाती हूँ। मैंने इस पर ये सारी वेजीज लगानी शुरू करी हैं। मेरे पास कैप्सिकम नहीं था, यानी कि शिमला मिर्च, तो वो मैंने नहीं डाली है, लेकिन शिमला मिर्च के बगैर वैसे पिज़्ज़ा में ना कोई एक जो अच्छा सा एक अरोमा आता है ना, वो नहीं आता, तो वो तो आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। मैंने भी क्या लिया है, मैंने लिए हैं अनियन, ऑलिव्स और एलापिनोस, क्योंकि फ़िलहाल मेरे पास घर में यही सब था। नॉर्मली मैं चिकन को जो है वो बोनलेस चिकन को चंक्स में कट करके और चिकन टिक्का मसाला लगा के रेडी करके फ्रीज रखती हूँ, तो ऐसा होता है कि जब इमरजेंसी होती है तो इस तरह ये मेरे काम आ जाते हैं। मैंने अभी पिज़्ज़ा पे वही चिकन टिक्का चंक्स जो हैं वो रख दिए हैं। अपने स्पेयर टाइम में अगर आप ये सब काम कर लेना तो आगे आपको बड़ी आसानी हो जाती है। और मेरे पास चेडर चीज़ के स्लाइस मौजूद थे, तो मैंने क्या करा कि उनको पीसेस में करा और अब अपने पिज़्ज़ा में वो भी ऐड कर लिए हैं। ये चेडर चीज़ स्लाइस हैं, क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना बड़ा सॉसी टाइप का पिज़्ज़ा पसंद करते हैं, मतलब लो इन स्पाइस बट वेरी सॉसी। फाइनली अब मैं क्या करूँगी जनाब, इसके ऊपर हर्ब्स स्प्रिंकल करूँगी। अगर आपके पास हर्ब्स ना हो, थाइम हो, तो आप वो ले लें, वरना ऑरिगेनो पाउडर ले लें। हर्ब्स मैंने डाल दिए हैं। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बारबेक्यू सॉस। हमारे घर में बारबेक्यू सॉस बहुत पसंद की जाती है, तो सैंडविच हो, पिज़्ज़ा फ्राइज हो या पिज़्ज़ा हो, बारबेक्यू सॉस इज़ अ मस्ट। अगर आपको इसका फ्लेवर नहीं पसंद है तो आप इसको स्किप कर दें। 10 मिनट या 12 मिनट में आपका पिज़्ज़ा बेक हो जाएगा और ये डिलीशियस पिज़्ज़ा रेडी टू ईट है। और हम तो केचप के बगैर पिज़्ज़ा सैंडविच या कोई भी चीज़ इंजॉय ही नहीं करते हैं। आप मेरी रेसिपी ट्राई कीजिएगा और प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग.